वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अगेन वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे डिस्पर्शल ऑफ सीड्स। ये एकदम एक डिफरेंट फेनोमेना है ना। यहाँ पर हम इसको ऐसे समझे कि प्लांट ने सीड जनरेट कर दिया, ठीक है, वो प्लांट का पार्ट है। जब वो सीड रहता है तो वो प्लांट का पार्ट होता है। देन आफ्टर व्हेन इट रीचेस टू द ग्राउंड, व्हेन इट गॉट द एयर वाटर एंड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ सैपलिंग प्लांट। यानी सीड जो है वो तो प्लांट का एक पार्ट है, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट वेयर इट डेवलप्स। जैसे ही वो डेवलप हो जाएगा, अब वो सीड दोबारा प्लांट तब बनेंगे जब वो वापस जमीन पर जाएंगे, सॉइल में जाएंगे, जहां उसे वाटर, मिनरल, एयर, नरिशमेंट, ये सब कुछ मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, तब जाकर वो सीड दोबारा से प्लांट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो नेचर ने सब कुछ ऑटोमेटिक बनाया है, यानी वो प्रोसेस ऑटोमेटिक तरीके से होता है। कई अलग अलग मोड्स हैं, कई अलग अलग एजेंट्स हैं जो इन सीड्स को सॉइल तक पहुंचा देते हैं। वैसे तो सिंपल है, वो सीड पेड़ से गिरेगा और उससे नया पेड़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जो बड़े पेड़ होते हैं उनके पास कैनोपी होती है, बड़ा छाया होता है, वो ऐसा रीजन है जहां पर उसके नीचे सनलाइट जल्दी नहीं मिलती। तो प्लांट को अब ऐसा कुछ करना था जिसमें उसके सीड्स उसके एरिया से थोड़ा दूर जाकर गिरे। ये कैसे होगा? तो इसके लिए नेचर ने कुछ ऐसी मैकेनिज्म बनाई, प्लांट्स ने कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप किए जिसमें ये प्लांट्स खुद ही अपने सीड्स को अलग अलग तरह से एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, है ना। ये बड़ा सरप्राइजिंग थिंग है, इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ थिंग, बट विल सी दैट हाउ नेचर डू इट इटसेल्फ, ये खुद से कैसे हो जाता। वैसे तो यदि हम अपनी बात करें तो हम ह्यूमन बींग जो है ये सीड्स को एक प्रॉपर एग्रीकल्चरल साइंटिफिक मेथड से इम्प्लांट करते हैं, उसको सोइंग करते हैं, और जिससे क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो क्रॉप प्रोडक्शन है, एक खास तरह के प्लांट्स को लार्ज स्केल पे जो हम ग्रो करते हैं, इसे एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। ये नेचर, ये नेचुरल नहीं है, ये हमने अपने लिए प्रोड्यूस किया, अपने फूड के लिए हमने ऐसे प्लांट को प्रोड्यूस किया है, इम्प्लांट किया है। लेकिन नेचर ने ऐसा कुछ नहीं किया, नेचर के पास एक अलग सिस्टम है जिसमें प्लांट्स अपने सीड्स को अपनी जगह से दूर भी भेज सकते हैं और प्लांट वहां भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ। तो पहले तो जाने डिस्पर्शल ऑफ सीड्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये प्रोसेस है किस चीज का, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, सीड्स का बिखरने का प्रोसेस। स्कैटरिंग मीन्स दैट मूव्स सराउंड, जो बिखर जाए दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। तो ये क्या करता है, ये प्रोसेस किस चीज का है, तो स्कैटरिंग ऑफ सीड्स है जो पेरेंट प्लांट्स, जिस प्लांट का वो सीड है उससे वो क्या करे, उसे दूर बिखेर दे, है ना। दैट स्कैटर्स अवे इन द सराउंडिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्पर्शल, इसे डिस्पर्शल कहते हैं, ठीक। अब हम ये समझें कि ये डिस्पर्शल क्यों इसेंशियल है, क्यों ये होना जरूरी है। तो डिस्पर्शल यदि नहीं होगा तो प्लांट फर्दर ग्रो कैसे करेगी, प्लांट की कम्युनिटी कैसे बनेगी, फॉरेस्ट कैसे बनेंगे। तो ये जो फॉरेस्ट फॉर्मेशन है ये किसी इंसान ने तो नहीं किया, ये नेचर ने खुद से डेवलप कर दिया। कैसे किया, दिस इज द मेथड, यही वो मेथड है जिसमें कोई प्लांट अपने जैसे कई सारे प्लांट्स को सराउंडिंग में डेवलप कर लेते हैं, एंड दिस कॉम्बिनेशन, दिस कॉलोनी, द फॉर्मेशन ऑफ सच लार्ज स्केल ट्रीज इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, वी कॉल इट फॉरेस्ट, उसे ही फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक। अब देखेंगे कि वो क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे ये सीड्स बिखर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये डिफरेंट डिस्पर्शन मेथड्स हैं जिनके बारे में हमको जानना है, क्या क्या है। तो हवा से, विंड से, आप ऑब्जर्व किए होंगे गर्मी के दिनों में, इन दिनों में थोड़ी सी और जब हवा तेज होती है तो देखिए कि हवा में कुछ व्हाइट व्हाइट फेदर लाइक स्ट्रक्चर उड़ते रहता है ना, उसको बच्चे पकड़ने की कोशिश करते हैं। दिस इज एक्चुअली अ सीड, प्लांट ने ऐसी सीड को डेवलप किया जो हवा से उड़ने लगे, और चूंकि उसके पास फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो उड़ते उड़ते जाएगा और किसी दूसरी जगह पर जाकर जब हवा कम होगी वो नीचे जाके बैठ जाएगा सॉइल में, एंड इट्स डेवलप, ठीक।
तो ये किसी ने तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं कि उसके लिए कोई पोस्टमैन आया, उसके सीट को उठाया और उसी जगह ले जाके डाला, ऐसा तो नहीं किया। ये एक नेचुरल फेनोमेना है जो नेचर खुद से अपने आप को डेवलप कर लिया। प्लांट ने खुद से अपने सीड में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किए कि उसके सीड में कुछ फेदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एयर पे फ्लॉट कर सकते हैं, एंड सो सच सीड्स फ्लॉट्स टुवर्ड्स अ डिफरेंट प्लेस, डिस्टेंट प्लेस, बहुत दूर दूर चले जाते हैं सीड्स और वहां जाकर गिरते हैं और उससे नए पौधे निकल आते हैं। ठीक है, दिस इज द वन मेथड। सेकेंड, डिस्पर्शन बाय वाटर। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे होते हैं, ठीक, अब उसके ऊपर से वो फल या उसका सीड गिरा, पानी में गिर गया, वो वाटर उसे फ्लॉट करके दूसरी रीजन ले जाए, वहां वो किसी मिट्टी के किसी किनारे जाके सट गया और वहां से वो पेड़ हो जाएगा। तो वाटर से होता है डिस्पर्शन ऑफ सीड्स बाय वाटर। थर्ड मेथड है बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये भी एक यूनिक तरीका है। हमसे कैसे होता, तो मैंने अभी आपको बताया कि डिस्पर्शन बाय ह्यूमन का मतलब कि हम ये अनजाने में नहीं करते, हम जान मतलब पता होता हमें कि हम ये डिस्पर्शन करने वाले हैं, खेत को तैयारी करते हैं, उसमें वो बीज डालते हैं और फिर बीज से नए पौधे आ जाते हैं, तो ये हमने किया। ठीक है, दूसरा जो है वो एनिमल्स के द्वारा भी होता है, यानी बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से हुक होता है, वो जब कोई मवेशी खासकर कोई जानवर जब उस पेड़ के नजदीक से गुजरेगा तो वो हुक जो है उसके स्किन पर चिपक जाएगा, ठीक, कुछ देर चिपका रहेगा, या फिर वो कहीं और गया, किसी और पेड़ से टकराया या किसी और चीज से टकराया और वो सीड गिर गया, तो ये सीड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो गए। दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्पर्शन बाय एनिमल्स। ठीक है, इसकी कुछ वीडियोस लिंक मैं आपको भेजता हूँ, कुछ यूट्यूब वीडियोस हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको बड़ा मजा आएगा उन वीडियोस को देखकर। आप देखिए कि कैसे सीड्स अपने आप डिस्पर्स होते हैं, एंड देर आर सो मेनी मोड, सो मेनी एजेंट्स विच ट्रांसफॉर्म्स और ट्रांसफर द सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, आई विल सेंड यू सम लिंक। दूसरा लास्ट है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। ये भी एक बहुत यूनिक टेक्निक है, वो ऐसा होता है, इट्स लाइक दैट, है ना, एंड वेन दैट सीड इन वेन दैट फ्रूट वट एवर इट्स ग्रोज एनफ, जब वो पूरी तरह से ग्रो कर जाता है, इट ब्रस्ट, वो ब्रस्ट करेगी, ब्रस्ट सीड होगी और उसके अंदर से कई सारे सीड्स डिस्पर्स होंगे, है ना, कॉटन सीड भी एग्जैक्टली ऐसा होता है, उसके उसके जो फल है वो एकदम इस तरह से कैप्ड होते हैं, जब वो सूख जाएगा, जब वो पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, सो इट ब्रस्ट, और जैसे वो ब्रस्ट करेगा द कॉटन सीड्स स्टार्ट स्प्रेडिंग इन द सराउंडिंग एवरीवेयर एंड दिस सीड गोज इन टू द सॉइल एंड डेवलप्स अ न्यू प्लांट, राइट। सो दिस इज द फोर डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच द डिस्पर्शन ऑफ सीड्स कैन बी पॉसिबल। It can be by wind, it can be by water, it can be done by human, that we done it purposefully, by animals and also through explosion. तो ये अलग अलग methods हैं जिनसे कोई seeds एक जगह से दूसरी जगह transfer हो जाते हैं। Fine students, this is the topic. Thank you.